व्हाट डू यू मीन बाय प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट? प्रोविजनिंग का क्या मतलब है? जनरली आप प्रोविजन करना किसको बोलते हो? अगर आपको सपोज कुछ खर्चा करना है एक साल बाद, तो आप उसके लिए पैसा कैसे इकट्ठा करते हो? सेविंग करके। सेविंग करके। कहाँ से? इनकम में से, हाँ इनकम में से। हाँ राइट। तो प्रोविजनिंग का कंसेप्ट भी यही है कि जब भी आपको कोई नॉन लाइबिलिटी आने वाली हो, कोई आपको लगे कि नुकसान होने वाला है या कोई असेट क्रिएट करनी है, तो आप प्रोविजन बनाते हो। आप अपने प्रॉफिट में से उतना पैसा निकाल के एक तरफ रखते जाते हो ताकि एकदम झटका ना लग जाए। अगर सपोज एक कंपनी ने 100 करोड़ के लोन दिए और कोई प्रोविजनिंग नहीं करके रखी है अलग से उसने, और एक ही दिन में वो 100 करोड़ का आदमी चला गया, तो कंपनी बंद हो जाएगी। लेकिन अगर आपने थोड़ा थोड़ा करके अपना उतना फंड एक तरफ रखा हुआ है, अब अगर नहीं वो आदमी आपका डाउटफुल हुआ या सबस्टैंडर्ड हुआ, तो उसमें से प्रोविजन में से कुछ भी पैसा यूज नहीं होगा, वो सारी आपकी इनकम हो जाएगी। लाइक आपने अगर कहीं बाहर जाना था और आपको 10,000 की रिक्वायरमेंट थी, आपने हर महीने 1,000-1,000 रुपये बचाना शुरू कर दिया अपने इनकम में से, सैलरी में से, ठीक है। अब 10वें महीने कोरोना आ गया और आप कहीं नहीं जा पाए, तो ये प्रोविजनिंग क्या एक्चुअल खर्चा था? नहीं ना, ये आपने नहीं, सिर्फ नहीं। निकाल के एक तरफ अपने पर्स में एक पॉकेट में रख रही थी। तो आपको 10,000 रुपये अवेलेबल हो गए, कहीं गए नहीं आपके। लेकिन अगर आपको जाना पड़ता और वो पैसे खर्चने पड़ते, तो उस महीने की सैलरी से 10,000 निकालने से अच्छा था कि हर साल की सैलरी से 1,000-1,000 रुपये निकाला था हर महीने की सैलरी में से, बच गए। हाँ। तो उस महीने भी आपके पास 9,000 रुपये भी बचे थे और आप घूम के भी आ गए। हाँ। तो एनबीएफसी के कॉन्टेक्स्ट में प्रोविजनिंग का क्या मतलब है? जब हम लोन देते हैं तो हम एनबीएफसी को मालूम है कि हर कोई प्रॉपरली रेगुलरली लोन पे नहीं करेगा। ओके। तो अगर आपका पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा तो आपका लॉस हो रहा है। हाँ। अगर सारा लॉस आपने एक साथ बुक कर दिया तो शेयर होल्डर्स को आप क्या दोगी? कुछ भी नहीं। तो लॉ बोलता है कि आपको जब भी ऐसा लगे कि कुछ एसेट में आपको लॉस होने वाला है, तब थोड़ा थोड़ा पैसा उसका एक सर्टेन परसेंटेज अपने प्रॉफिट से निकाल के अलग रखो। अच्छा, बाद में अगर वो लॉस हो गया तो आपके पास वो रिजर्व था, तो आपके प्रॉफिट पे एकदम डेंट नहीं पड़ेगा। और अगर नहीं हुआ वो लॉस, तो वो सारा का सारा प्रोविजन आप राइट बैक करोगे, तो उस टाइम का आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, प्रोविजनिंग मतलब क्वेश्चन रखना पैसे का। ओके ठीक है। अब इसको मैं दूसरे एंगल से समझाऊं। अगर आपको ऐसा लग गया कि भाई एक साल बाद शायद ये करंट इन्वेस्टमेंट लॉस एसेट में बदल जाएगी, तो डिपेंडिंग अपॉन कि वो सब स्टैंडर्ड है, डाउटफुल है, लॉस एसेट है, आप उतने ही एफर्ट लगाओगी रिप्लेसमेंट के। तो अगर आपको लग रहा है कि ये सब स्टैंडर्ड है, तो थोड़े आराम आराम से करोगी, किसी को तैयार करोगे कि भाई चलो आज वो नहीं, अपन चलते हैं घूमने फिरने। लेकिन अगर आपको लगा लॉस सेट है, तो इमीडिएटली रेडी कर दोगे, दूसरा होगा तो टाइम दोगे, क्योंकि क्या होगा आपको नहीं मालूम कि मेरी एसेट लॉस एसेट बनेगी कि नहीं बनेगी। तो प्रोविजनिंग में भी जो भी टेबल्स दी हुई हैं, वो टेबल यही बता रही है कि अगर आपका रिस्क ज्यादा है तो उस लोन का कितना पैसा आपको बुक्स में प्रोविजन करके रखना है वो ज्यादा रहेगा, रिस्क अच्छा, कम है तो प्रोविजन कम रहेगा। ये कंसेप्ट बता रहा हूँ, क्योंकि कंसेप्ट समझ आ जाएगा तो पढ़ने लिखने में कुछ नहीं है ये। तो पहले प्रोविजनिंग समझे, प्रोविजनिंग क्या होती है। अब पढ़ो जरा क्या कह रहे हैं। The provisioning requirements as given below shall apply to every applicable NBFC except MFI. आपको एप्लीकेबल है? Every applic नहीं है, मेरे को एप्लीकेबल है। तो आपको पता होना चाहिए। मेरे को है। हाँ। तो आपको क्यों नहीं पता अगर आप किसी एनबीएफसी का काम कर रही हो तो? क्योंकि ये पता नहीं कौन सा है, लोन वाला नहीं है ना। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। एवरी एप्लीकेबल एनबीएफसी शैल आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द टाइम लैग बिटवीन एन अकाउंट बिकमिंग नॉन परफॉर्मिंग इट्स
recognition as such that the realization of the security and the erosion over time in the value of security charged make provision against substandard asset, doubtful asset and loss asset as provided here under. यहीं पर रुक जाओगे, ठीक है? मैं इसको explain कर देता हूँ. गोल गोल है ना, तो क्या तरीका बताया? गोल गोल है तो छोटे छोटे टुकड़ों में बांटो उसको. ठीक है, प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट कर रहे हैं. सबसे पहले होगा सबको एप्लीकेबल है. अब क्या बोल रहे हैं, देखो एवरी एप्लीकेबल सेल क्या करेगी आफ्टर टेकिंग अकाउंट, क्या फर्स्ट टाइम लैग बिटवीन एन अकाउंट बिकमिंग एनपीए. ठीक है, सेकंड इट्स रिकॉग्निशन एज सच, थर्ड रियलाइजेशन ऑफ द सिक्योरिटी, फोर्थ इरोजन ओवर टाइम इन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी. क्या करेगी? प्रोविजन बनाएगी. किस किस असेट्स के लिए? सबस्टैंडर्ड डाउटफुल लॉस. तो किसके लिए नहीं बनाना है? वो स्टैंडर्ड के लिए. ठीक है, अब जरा ध्यान से पढ़ जाओ इसको कि क्या करना है. सेकंड में क्या लिख रहा है? टाइम लैग मतलब देरी. देरी, ओके. एक अकाउंट बनने में कितना टाइम लगा है उसको एनपीए बनने में? 5 महीना, 6 महीना. अच्छा, ठीक है. फिर उसको रिकॉग्नाइज करेगी. टाइम लैग बिटवीन. अभी की एक लोन समझ लो ना. क्या आपने किसी को लोन दिया? दिया 1 लाख. 6 मंथ से आपने पेमेंट नहीं कर रखी है, ओवरड्यू है. यही है ना, 6 मंथ ओवरड्यू हो गए. हाँ. तो आप बन गए एनपीए. अब हाँ. आपने ये रिव्यू कब किया? 8th मंथ में किया. टाइम लैग बिटवीन अकाउंट बिकमिंग एनपीए एंड इट्स रिकॉग्निशन एज सच में कितना लैग हो गया इन दो चीजों में? 2 महीने का. ठीक है, तो ये बोल रहा है. वन और टू को पढ़ो तो वही ये कह रहा है कि टाइम लैग ये है. पढ़ो जरा आफ्टर टेकिंग इन अकाउंट, पहले दो पढ़ो. आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द टाइम लैग बिटवीन एन अकाउंट बिकमिंग नॉन परफॉर्मिंग इट्स रिकॉग्निशन एज सच. ठीक है, अब आप अभी आगे बढ़ते हैं. अब ये जब आपने लोन लिया था 10 लाख का, तो आपने मेरे को शेयर्स दिए थे. वो भी लिस्टेड कंपनी के दिए थे. वो भी 100 रुपए के दिए थे रेट के. अब उसकी रिलाइज करने जा रहा हूँ तो आज के दिन में मार्केट रेट है 70 रुपए. ओके, तो मेरा इस केस में कितना नुकसान हो सकता है? 30 रुपए का. हाँ. तो रफली 3 लाख का नुकसान हो सकता है. तो मुझे ये जो नुकसान होने वाला है, या फिर जीरो भी हो गया, इरोजन ही हो गया पूरा, 1 रुपए रह गया, तो उस टाइम में मेरे को 10 लाख रुपए नुकसान हो सकता है. हाँ. अब इसको मुझे प्रोवाइड करना है. अब ये किस बेस पे प्रोवाइड करना है? कि जिस असेट की मैं बात कर रहा हूँ वो इनमें से कौन सी कैटेगरी है. मैंने आपको बताया जितना डीप जाओगे उतना प्रोविजन ज्यादा करना पड़ेगा, उतना आपका उस साल का प्रॉफिट कम होता जाएगा. यही मतलब है ना इसका? प्रोविजन करोगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाना पड़ेगा. उससे आपका प्रॉफिट अगर 5 लाख हो रहा है तो अभी 2 लाख ही होगा. तो अब आप पढ़ो इस एग्जांपल के कॉन्टेक्स्ट में, ये एवरी से लेके हेयर अंडर तक. एवरी एप्लीकेबल एनबीएफसी शैल आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट टाइम लैग एंड अकाउंट बिकमिंग नॉन परफॉर्मिंग इट्स रिकॉग्निशन सच एज सच द रियलाइजेशन ऑफ द सिक्योरिटी एंड द इरोजन ओवर टाइम इन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी चार्ज्ड मेक प्रोविजन अगेंस्ट सबस्टैंडर्ड एसेट डाउटफुल एसेट एंड लॉस एसेट एज प्रोवाइडेड हियर अंडर. ठीक है, तो अभी हम लोग अपने एग्जांपल के लिए ये मान लेते हैं कि 3 लाख का नुकसान होने वाला है अपने को. हाँ. अब किस कैटेगरी में किस किस टाइप का कितना कितना प्रोविजन करना है 3 लाख के अगेंस्ट में?
वो वो अभी नीचे नीचे दिए, तो दैट मीन कैलकुलेशन में आएंगी। तो पहली अच्छा कैटेगरी है लोन एडवांस एंड अदर कैटेगरी इंक्लूडिंग बिल परचेज एंड डिस्काउंटेड। बिल परचेज डिस्काउंटेड किस में होता है? फैक्टरिंग में। हाँ फैक्टर और लोन एडवांस मेरा नहीं है ऐसे नहीं। ठीक लो एक एक करके ले ले। पहले वन को ले लेते हैं हम। यहाँ तक ले, पहले लॉस वाली सेट को लेते हैं। पहले वन का वन कंट्रोल वी। वन का वन क्या कह रहा है? The provision requirement in respect of loan। इतना पढ़ दिया हम लोगों ने। चलो क्या है वन का वन? लोन एडवांस और क्रेडिट फैसिलिटीज इंक्लूडिंग बिल परचेज क्या होगा? लो से सेट है तो लॉस है तो द एंटायर असेट शैल बी रिटर्न ऑफ। इफ द असेट आर परमिटेड टू रिमेन इन द बुक्स ऑफ एनी रीजन 100% ऑफ आउटस्टैंडिंग शैल बी प्रोवाइडेड फॉर। ठीक है, अब ये क्या मतलब है? पहली लाइन तो सिंपल है। हाँ रिटर्न ऑफ, पूरा ही रिटर्न ऑफ। सो दैट मींस अगर 10 लाख का 10 लाख ड्यू है तो पूरी से 10 लाख रिटर्न ऑफ हो जाएगी। और अगर आपको बुक्स में किसी भी रीजन से वो लोन दिखाना है तो आपके अगर उस 10 लाख में 3 लाख रुपए नहीं आया अभी तक तो 3 लाख आपको जो आउटस्टैंडिंग है उतना आपको राइट ऑफ करना है। अच्छा। 10 लाख के लोन में 3 लाख रुपए आउटस्टैंडिंग है, 7 लाख वो पे कर चुका है और अब आपको लगता है कि अभी और पैसा नहीं आने वाला है, नहीं आएगा, तो जो अमाउंट आउटस्टैंडिंग है उतनी आपको प्रोवाइड कर देनी है, 3 लाख रुपए अपने प्रॉफिट में डाल देना है। ये था लॉस एसेट। लॉस एसेट ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट कौन सी एसेट होती है लॉस के बाद? डाउटफुल। अच्छा पहले डाउटफुल आना है ना, ये उल्टा जा रहा है, जो डूब गया और जो डूबने वाला करके। प्रोविजन समझ गए ना? प्रोविजन का मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग? प्रोवाइडेड फॉर का मतलब है आपको पीएलएल अकाउंट में उतना पैसा अपने प्रॉफिट से निकाल के एक तरफ अलग रखना है, तो आप उसको जब एक बार प्रोविजन बना दिया तो उसको डिविडेंड की तरह डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते ना। अगर आपके प्रॉफिट में से उतना प्रोविजन बना दिया तो डिविडेंड के लिए प्रॉफिट कम बच गया तो पैसा कंपनी से बाहर नहीं जा सकता। यस चलो ये था ए। डाउटफुल असेट कौन सी होती थी? जो 18 महीने से एक्सीड है। हाँ, उस केस में कितना प्रोविजन करना है? 100% provision of the extent of which the advance is not covered by the realizable value of the security to which the applicable NBFC has a valid recourse shall be made। अब ये क्या बोल रहे हैं? अभी हमने ऊपर एग्जांपल लिया कि 10 लाख के लोन के अगेंस्ट में शेयर से 7 लाख रुपए ही आएगा। तो कितना लॉस की चांस है? 3 लाख। तो प्रोविजन कितना करने का? पूरा पूरा पूर, पूरा 3 लाख। 3 लाख पूरा ना, मतलब जो नहीं आने वाला है 3 लाख। हाँ अगर कुछ भी नहीं आने वाला होगा तो पूरा 10 लाख प्रोविजन करना पड़ेगा। हाँ तो ऊपर क्या पढ़ रहा है? अब इस कंटेक्स्ट एग्जांपल के कंटेक्स्ट में ए को पढ़ जाओ। ये एग्जांपल के 100% प्रोविजन टू द एक्सटेंट of which the advance is not covered, अच्छा, by the realizable value of the security to which the applicable NBFC has a valid recourse shall be made. The realizable value is to be estimated on a realistic basis.
ये 7 लाख रुपए आप लोगों ने वैल्यू निकाली, हाँ ये रियलिस्टिक होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सर आ ही जाएगा लेकिन हाँ आया बाद में 5 हजार। उस ये तो एक प्रोविजन हाँ करना है 3 लाख का, उसके अलावा क्या प्रोविजन करना है? क्योंकि 7 लाख भी जो आप बोल रहे हो आ जाएगा, वो आया नहीं अभी तक, जब हम तो बेचेंगे। रियल होना चाहिए। नहीं, पर आया नहीं है ना पेमेंट, आपने सिक्योरिटी बेची नहीं है ना, अभी से प्रोविजन ही रख रहे हो। और असेट भी अभी लॉस असेट नहीं हुई है, अच्छा डाउटफुल ही है अच्छा अभी। हाँ ये कंसेप्ट समझो, जब लॉस असेट थी तो आपने पूरा पैसा प्रोवाइड कर दिया, बोले अब कुछ नहीं आएगा, हमारा नुकसान हो गया। पूरा कर दिया। हाँ जब डाउटफुल थी तो आपने बोला जितनी सिक्योरिटी पड़ी है उसकी वैल्यू माइनस करके बैलेंस पैसा राइट ऑफ कर दो, उतना नहीं आएगा, उतना लॉस हो गया। हाँ क्या 10 लाख है, अगर 7 लाख की सिक्योरिटी पड़ी है तो आपका रिस्क कितना है इसमें? 3 लाख ना, तो 3 लाख आपने राइट ऑफ कर दिया ए में। कर लिया। अब उसके बी में क्या बोलते हैं कि अभी वो तो आपने राइट ऑफ कर दिया जितना आपको था कि नहीं आएगा, उसके बाद हाँ बी पढ़ो। इन एडिशन टू आइटम ए अबव डिपेंडिंग अपॉन द पीरियड फॉर विच द सेट हैज रिमेन डाउटफुल प्रोविजन टू द एक्सटेंट ऑफ 20% टू 50% ऑफ द सिक्योर्ड पोर्शन एस्टिमेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द आउटस्टैंडिंग शैल बी मेड ऑन द फॉलोइंग बेसिस 7 लाख पे करेगा। हाँ समझिए ना, 7 लाख पे करेगा, तो अगर एक साल हाँ से अप टू 1 ईयर ही उसके ऊपर डिफॉल्ट है, तो 20%। तो 7 लाख का 20%, 1,40,000, ये इन एडिशन है। हाँ तो आपको उस साल अकाउंट में कितना दिखाना है? 3 लाख प्लस 1,40,000, 4,40,000 रुपये नुकसान दिखाना है। अगर 1 टू 3 ईयर्स हो गए तो 30%। तो 7 ये 2,10,000, और 3 साल ये से प्लस जो 3 लाख। यस हाँ तो 50% तो 3,50,000। ये आप समझे प्रोविजनिंग क्या ये है 50। डाउटफुल के केस में? क्यों आपने पूरा राइट ऑफ नहीं किया? क्योंकि आपको चांस है, आपके पास सिक्योरिटी पड़ी है कि आप उसको रियलाइज कर लोगे। हाँ लॉस नहीं हुआ। हाँ आ जाएगा उम्मीद है। हाँ, अब एक सपोज 7 लाख का 7 लाख पूरा आ जाता है, तो ये प्रोविजन आप राइट ऑफ कर दोगे तो आपके पास वापस आ जाएगा पैसा, कहीं गया तो है नहीं, कंपनी में ही पड़ा है। यस लेकिन अगर वो नहीं आया बाद में तो ये प्रोविजन रखा हुआ है तो वो यूज हो जाएगा, तो इकट्ठा प्रॉफिट के ऊपर डेंट नहीं आएगा। हाँ क्लियर है लॉस और डाउटफुल का फंडा? क्लियर है। प्रोविजनिंग का फंडा बेसिकली क्लियर है ना? बचा और सब स्टैंडर्ड सेट है तो, रहे हैं। और थर्ड कैटेगरी है सब स्टैंडर्ड। खाना हुआ कि नहीं तेरा, नहीं अभी भूख नहीं लगी? तो नहीं। ठीक है चलो, सब स्टैंडर्ड सेट के केस में कितना लगाना है? 10% ऑफ टोटल आउटस्टैंडिंग शैल बी मेड ठीक मतलब है, 3 लाख। नहीं, 3 लाख तो रियलाइजेबल के बाद जो कवर नहीं हो रहा था वो अमाउंट थी ना, अच्छा अगर इस लोन में 10 लाख का लोन है, 2 लाख हाँ पेड हो चुका है। सब स्टैंडर्ड क्या होता है? अच्छा जो एनपीए हुआ और 18 महीने के अंदर है, छः छः महीने का गैप चल रहा है, 6 या 7 महीने का, तो 8 लाख आउटस्टैंडिंग है, हाँ तो इस पे प्रोविजन कितना करना है? 10% तो 80,000, 80,000 एट्टी के क्लियर क्या? 80,000। हाँ सब स्टैंडर्ड है तो 10% ऑन आउटस्टैंडिंग। लोन्स के केस में ये जो है सब लोन असेट्स के लिए है, लोन और बिल डिस्काउंटिंग के लिए। जब आपको पैसा नहीं आया, अकाउंट एनपी हो गया, आपने उसको क्लासिफाई कर दिया लॉस असेट, स्टैंडर्ड सेट, सब स्टैंडर्ड सेट और डाउटफुल असेट, तो मुझे बताओ अगर लॉस असेट है तो उसमें 100% क्यों करते हैं? 100% जितना भी क्योंकि वो पैसा, कभी और नहीं आएगा। समझ गए, मतलब आ सकता है कल को केस किया आपने और मिल गया वापस, लेकिन एज ऑफ नाउ तो आपका नुकसान हो गया, तो स्टिल ये प्रोविजन है। के लिए नहीं आएगा। हाँ, प्रोविजन आपको करना है पूरा लॉस एसेट का, जितनी भी अमाउंट है उसके लिए।
तो अभी ये क्यों, अभी एक नया रेगुलेशन आ रहा है कि एनपीए का पीरियड 90 डेज कर रहे हैं 6 मंथ की जगह, तो ओके, एनबीएफसी के शेयर ये सुनते ही क्यों डाउन हो गए? क्योंकि क्यों हो गए? अभी ये जो 6 महीने का था, तो अगर 90 डेज हो गया तो जिसने 3 महीना भी लोन नहीं किया उसको इनको क्लासिफाई करना पड़ जाएगा सब स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड में। हाँ, यस, तो जितने भी एक्स्ट्रा क्लासिफाई होंगे उनका प्रोविजन करना पड़ जाएगा, उतना जो प्रोविजन करोगे उतना प्रॉफिट कम हो जाएगा, जितना प्रॉफिट कम हो जाएगा उतना शेयर प्राइस कम होता है। अभी हुआ नहीं है ना, होगा नहीं ये डिस्कशन में है कि अभी आगे आज भाई एनपीए के डिस्कशन जो में। अभी नहीं डिसीजन नहीं, अभी जो आगे से होने वाला है, अच्छा, ओके, अभी रेगुलेशंस आए थे ना नए कि अभी स्केल बेस्ड अप्रोच आएगी एनबीएफसी के लिए, तो उसके साथ ही था कि एनपीए का पीरियड 9 मंथ्स करने और अपना 90 डेज करने वाले हैं 90 डेज, फेज मैनर में। ओके ओके तो ये अब समझे कि एनपीए ज्यादा होने से क्यों बैंक शेयर लॉस में जाते हैं। तो जब भी इनके रिजल्ट डिक्लेयर होते हैं तो लोग क्या वॉच करते हैं कि इसके एनपीए कितने हैं, ओके इसकी डाउटफुल एसेट कितनी है, सब स्टैंडर्ड कितनी है, तो उसके हिसाब से बैंक की परफॉर्मेंस मैच होती है, क्योंकि उतना ही आपको प्रोविजन बढ़ेंगे। और प्रोविजन बढ़ेंगे लाइक अभी सपोज कोई आदमी देश छोड़ के भाग गया और उसने 1,000 करोड़ लिया हुआ है, हाँ, तो तो पूरा ही लॉस हो आज गया, ये न्यूज आएगी तो इमिडिएटली उसका शेयर डाउन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डाउन हो उसको जाएगा। पूरा हाँ, प्रोवाइड 100% राइट ऑफ करना पड़ेगा, प्रॉफिट जीरो हो जाएगा यस उसका। यस, तो शेयर होल्डर को जब कुछ मिलेगा नहीं तो इन्वेस्ट क्यों करेगा, वो भाग जाएगा वहां से। तो पहला आपको समझ आ गया लॉस एसेट का, सब स्टैंडर्ड का क्या प्रोविजन था, सब स्टैंडर्ड 10% ऑन आउटस्टैंडिंग, ठीक है, और डाउटफुल का डाउटफुल का तो एक तो जितना मतलब है उस पे 100% कर दो, मतलब नहीं, नहीं नहीं समझे। 10 लाख का लोन है। अरे हाँ ना, ए पॉइंट हो, ये तो हो गया ना। हाँ ए में क्या था, वही तो बोल रही हूँ, नहीं बोल रही भाई, कंसेप्ट हंड्रेड हंड्रेड कंसेप्ट हंड्रेड समझाओ, पढ़ो परसेंट मत कंसेप्ट समझाओ। डाउटफुल असेट पे अगर आपको प्रोविजनिंग करनी है तो आप क्या देखोगी? जी, कितना रिकवर नहीं हुआ। हाँ, तो सबसे पहले आप देखोगे ये लोन के अगेंस्ट में हमारे पास सिक्योरिटी है कि नहीं। अच्छा, सिक्योरिटी है कि नहीं? हाँ अगर सिक्योरिटी नहीं है, जीरो सिक्योरिटी है, तो हाँ पूरा पूरा राइट ऑफ हो जाएगा। हाँ ना, अगर अनसिक्योर्ड हुआ तो। और अगर सिक्योरिटी है तो जिस सिक्योरिटी से कितना पैसा आएगा वो माइनस करके जो बचा वो राइट ऑफ हो जाएगा। हाँ, जो नॉट रिकवर्ड है वो राइट ऑफ हो जाएगा 100%। फिर जितनी सिक्योरिटी की वैल्यू आपने निकाली है वो लोन कितने टाइम से हाँ एनपीए खड़ा है, वो कैटेगरी में खड़ा है, उसके बेस पे भी हाँ आपको एडिशनल प्रोविजन करना है। अगर 1 साल करना तक है, एनपीए है तो 20%। मोर 3 है तो 30, हाँ, उससे ज्यादा है तो और हाँ, 50। और यहाँ पे वर्ड है डाउटफुल, जितने टाइम तक वो डाउटफुल है, तो हाँ मोस्टली 18 महीने से ऊपर रहेगी ना डाउटफुल। हाँ डाउटफुल है तो यस, एनपीए से तो ये कब एक्सेलेंट। करते हैं कैलकुलेशंस? ये जब साल का एंड होता है, बैलेंस शीट बनती है, तो उस टाइम ये कैलकुलेशन की जाती है। तो सब कुछ 31 मार्च को चेक किया जाता है कि कितने डाउटफुल हैं, कितने स्टैंडर्ड हैं, कितने सब स्टैंडर्ड हैं। ओके, साल के बीच की एक्टिविटी नहीं है, रिजल्ट्स जब बनाते हैं, जब भी बैलेंस शीट ड्रॉन की जाती है तो उस टाइम ये कैलकुलेशंस होती है। तो ये प्रोविजनिंग का मतलब फंडा एक क्लियर। बार में ही करते हैं। एक ही बार करते हैं। हाँ क्लियर है। हाँ, क्लियर है। अभी लीज और हायर, ये तो था नॉर्मल लोन्स के लिए। अभी लीज और हायर परचेज सेट में लाइक आपने कार के ऊपर दिया हुआ है, लैपटॉप पे दिया हुआ है, हाँ, वो गया तो क्या? ठीक है, ये टेबल है, इसको हम यहीं से पढ़ेंगे क्योंकि हमारा केस है नहीं। तो इसको एक्सप्लेन नहीं हाँ करेंगे, सिर्फ पढ़ेंगे। अभी कंसेप्ट आप हाँ पढ़िए, बोलो। लीज एंड हायर परचेज सेट में
lease and hire purchase assets, the provisioning requirement in respect of hire purchase and lease asset shall be as under. Hire purchase asset. In respect of hire purchase asset, total dues as reduced by finance charge not credited to the profit or loss account and carried forward as unmatured finance charges, and the depreciate value of the underlying asset shall be provided for. अभी कुछ नहीं है, सिंपल आगे बढ़ो, पहले समझो उसको क्या कह रहा है. अगर आपने एक लैपटॉप हायर परचेज पे लिया था और आपको प्रोविजनिंग करनी है. प्रोविजनिंग कब करते हैं? जब लॉस हो गया, डाउटफुल हो गया, कुछ भी हो गया. तो क्या करना है? टोटल ड्यूज, ओवरड्यू कितनी अमाउंट है, कितनी ईएमआई है उसने नहीं भरी है 31 मार्च को, प्लस उसकी अभी और कितनी ईएमआई आनी बाकी है. ओके, इन दोनों का टोटल करो. हाँ, उसमें से क्या रिड्यूस करो? जो फ्यूचर की ईएमआई है उसका इंटरेस्ट तो हम लोगों ने अभी तक इनकम में लिया नहीं है, तो वो इंटरेस्ट माइनस करो. और उस लैपटॉप से कितना पैसा आज के दिन में डेप्रिशिएटेड वैल्यू हम बुक्स में दिखा रहे हैं, कि अगर 2 साल पहले का लैपटॉप 50 का था तो आज भी 50 का रहेगा क्या? नहीं ना, नहीं, वैल्यू कम हो जाएगी. तो उसकी जितनी असेट आपके हाथ में वापस आने वाली है वो कम होगी. अभी सपोज उसका 40,000 रुपए देना बाकी था ओवरड्यू और इंस्टॉलमेंट मिला के, उस 40,000 में फ्यूचर का जो इंटरेस्ट था वो 5,000 था, तो 35 रह गया. उसमें से लैपटॉप आज बेचने जाओगी उसकी डेप्रिशिएटेड वैल्यू बुक्स में 20,000 रुपए की है, तो 15,000 रुपए नहीं रिकवर हुआ. तो ये 15,000 रुपए आपको प्रोविजन करना है. ओके. और डेप्रिशिएशन कैसे लेना है ये नीचे लिखा हुआ है, पढ़ो. अच्छा, फॉर द पर्पस ऑफ दिस पैराग्राफ द डेप्रिशिएटेड वैल्यू ऑफ द एसेट शैल बी नॉशनली कंप्यूटेड एज द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट टू बी रिड्यूस्ड बाय डेप्रिशिएशन एट द रेट ऑफ 20% पर एनम ऑन अ स्ट्रेट लाइन मेथड. तो 2 साल का लोन है, अगर 2 साल का लोन है, 50,000 का लैपटॉप है, तो 2 साल में 20% तो 30,000 पे वैल्यू आ जाएगी डेप्रिशिएटेड. तो मैं सीधा 20% डाउन. इन द केस ऑफ सेकंड हैंड एसेट द ओरिजिनल कॉस्ट शैल बी द एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड फॉर एक्विजिशन ऑफ द सेकंड हैंड एसेट. अगर सेकंड हैंड एसेट है जिसके ऊपर आप फाइनेंस कर रहे हो, तो आपको ओरिजिनल कॉस्ट मेन की नहीं लेनी है, जिस रेट पे आपने लिया हो उसको रिड्यूस करना है 20% से. लाइक अगर गाड़ी जो है इनोवा गाड़ी 10 लाख की आती है, आपने सेकंड हैंड इनोवा ली थी तो 6 लाख की ली थी, तो डेप्रिशिएशन 10 लाख के हिसाब से करना है कि 6 लाख पे? तो 6 लाख के हिसाब से 20% का. ओके, और ये सब माइनस करना है ओवरड्यू. पर्पस क्या है? हमें कितना पैसा नहीं रिकवर होने वाला जितना हमें प्रोवाइड करना. अगर किसी ने 50,000 रुपए देना बाकी है और उस 50,000 रुपए में हमने अभी जो फ्यूचर का इंटरेस्ट भी जुड़ा हुआ है वो तो नहीं आने वाला, वो छोड़ दो, तो 5,000 कम हो गया, 45,000 बचा. फिर उस एड की 20% डेप्रिसिएशन करके 30,000 रुपए वैल्यू आ रही है, वो भी मिल जाएगा अपने को. तो खाली 15,000 रुपए रिकवर नहीं हो रहा, उतना ही लॉस हमें प्रोवाइड करना चाहिए. ठीक है. और एडिशनल प्रोविजन कितना? वेयर हायर, अच्छा, इन रिस्पेक्ट ऑफ हायर परचेज एंड लीज एसेट एडिशनल प्रोविजन शैल बी मेड वेयर हायर परचेज और लीज रेंटल आर ओवरड्यू अप टू 12 मंथ है तो नील. वेयर हायर परचेज और लीज रेंटल आर ओवरड्यू मोर देन 12 मंथ अप टू 24 मंथ 10% ऑफ नेट बुक वैल्यू. वेयर हायर परचेज और पीरियड दिए 12 से 24, 24 से 36, 36 से 48 और 48 से ऊपर. 48 मतलब 4 साल. हाँ. से कार का ही केस हो गया ना, कि लास्ट 12 महीने से कार की ईएमआई नहीं आई, तो एडिशनल प्रोविजन करना है क्या? नहीं करना. 1 साल से 2 साल तक नहीं आई ईएमआई, तो नेटबुक, हाँ, असेट का जो भी नेटबुक वैल्यू है उसका 10% प्रोवाइड करना है. ऊपर जो लिखी कैलकुलेशन वो प्लस ये 10%. एडिशनल प्रोविजन है ये. ठीक है, ठीक है.
अगर 4 साल से नहीं आई तो पूरी पूरी जितनी असेट है वो प्लस डाल देनी है बुक वैल्यू में जो भी आ रही सब होंगी। गई। हाँ फिर तो सब गया। फिर थर्ड में ऑन एक्सपायरी ऑफ अ पीरियड ऑफ 12 months आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ द लास्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ हायर परचेज लीज एसेट द एंटायर नेट बुक वैल्यू शैल बी फुल्ली प्रोवाइडेड फॉर नोट्स। ठीक है, अभी आपकी लास्ट ईएमआई ड्यू थी अपना दिसंबर में। हाँ जैसे वो दिसंबर खत्म हुआ जनवरी आया, पूरी बुक वैल्यू जो भी आपकी बुक्स में वो सब पीएनएल में डेबिट कर दो, किसे कुछ नहीं आएगा। अच्छा कब? अच्छा उसके 1 साल बाद, इस दिसंबर में है तो अगले साल दिसंबर खत्म होने के बाद। ऑन एक्सपायरी ऑफ 12 months। ओके चलो 5 मिनट है, 5 मिनट में ये पेज पढ़ जाओ। द अमाउंट ऑफ कॉशन मनी मार्जिन मनी और सिक्योरिटी डिपॉजिट कैट बाय द बोरोवर विद द एप्लीकेबल एनबीएफसी इन पर्सन ऑफ द हायर परचेज एग्रीमेंट मे बी डिडक्टेड अगेंस्ट द प्रोविजन स्टिपुलेटेड अंडर क्लॉज अबव इफ नॉट ऑलरेडी टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल अराइविंग एज द इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट अंडर द एग्रीमेंट द वैल्यू ऑफ एनी अदर सिक्योरिटी अवेलेबल इन पर्सन टू द हायर परचेज एग्रीमेंट शैल बी डिडक्टेड ओनली अगेंस्ट द प्रोविजन स्टिपुलेटेड अंडर क्लॉज 2 अबव। अभी आपने ऊपर प्रोविजंस की अमाउंट निकाली थी कि इतना पैसा नहीं आएगा नहीं आएगा, उसने कोई आपको मार्जिन मनी दे के रखी हुई है जो आपने ईएमआई के टाइम में नहीं उसको कैलकुलेशन में लिया है, तो वो पैसा अच्छा, प्रोविजन में से उतना कम प्रोविजन करना है क्योंकि वो पैसा आपके ऑलरेडी हाथ में पड़ा है। अच्छा, अभी गाड़ी गाड़ी लेते हुए उसने आपको 1 लाख रुपए ऐसे मार्जिन मनी दिया था, प्लस उसने कुछ गोल्ड भी रख के दिया था, तो गोल्ड की जो वैल्यू है सेकंड पैराग्राफ वो सीधे जो एडिशनल प्रोविजन है उसके अगेंस्ट में माइनस होगा। अच्छा ये दो चीजें बोल रहा है, मार्जिन मनी ठीक है। ऊपर के प्रोविजन से कम माइनस कर दो और एडिशनल सिक्योरिटी सेकंड नंबर जो एडिशनल प्रोविजन है उसमें से सेकंड माइनस से करो, माइनस कर दो। एडिशनल को एडिशनल से माइनस करो। सेकंड ओके द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट डिपॉजिट कैप्ट बाय द बोरोवर विद द एप्लीकेबल एनबीएफसी इन पर्सन टू द लीज एग्रीमेंट टुगेदर विद द वैल्यू ऑफ एनी अदर सिक्योरिटी अवेलेबल इन पर्सन टू द लीज एग्रीमेंट शैल बी डिडक्टेड ओनली अगेंस्ट द प्रोविजन स्टिपुलेटेड अंडर 2 तो कोई अबव। सिक्योरिटी डिपॉजिट अगर उसने रखा हुआ है लीज के अगेंस्ट में, हाँ, और कोई और सिक्योरिटी दिया तो एडिशनल सिक्योरिटी में से ही माइनस करनी है, तो उतना कम तो वो भी प्रोविजन, माइनस करो। उतना कम प्रोविजन करना है। ओके इट इज क्लैरिफाइड दैट इनकम रिकॉग्नाइजेशन ऑन एंड प्रोविजनिंग अगेंस्ट एनपीए आर टू डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ प्रूडेंशियल नॉर्म्स एंड प्रोविजन एज पर द नॉर्म्स आर रिक्वायर्ड टू बी मेड ऑन एनपीएस ऑन टोटल आउटस्टैंडिंग बैलेंस इंक्लूडिंग द डेप्रिशिएटेड बुक वैल्यू ऑफ द लीज्ड एसेट अंडर रेफरेंस आफ्टर एडजस्टिंग द बैलेंस इफ एनी इन द लीज एडजस्टमेंट अकाउंट The phase that income on an NPA has not been recognized shall not be taken as reason for not making provision. अब इसमें कैसा है कि अभी जो एनबीएफसी है वो क्या बोलते हैं, हमने इनकम तो बुक ही नहीं करी तो प्रोविजन किस बात का करें, तो वो बोल रहा है कि एनपीए के ऊपर इनकम हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कैश बेसिस पे होती है, स्टार्ट में शुरू किया था ना जब हमने इनकम रिकॉग्निशन में, हाँ, कैश बेसिस, यस। और एक तरफ ये प्रोविजनिंग की बातें कर रहा है कि आप इतना लॉस प्रोवाइड कर दो ये प्रोवाइड कर दो, तो बोले दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो एक साथ मत आपने इनकम बोलो बुक कर नहीं किया ये बोल के आप प्रोविजन नहीं करोगे ये नहीं चलेगा, आपको प्रोविजन फिर भी बुक करना है इवन तो आपने इनकम बुक नहीं करी है। अच्छा ठीक है। ठीक है, ज्यादा डीप में नहीं जा रहे क्योंकि टेक्निकल उनके लिए जो ये काम कर रहे हैं, अपने लिए टेक्निकल में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कंसेप्ट समझने की बात है। ठीक है, दो दो मिनट है, दो पैराग्राफ है, पढ़ते फटाफट। एन असेट व्हिच हैज बीन renegotiated or rescheduled as referred to in paragraph 12.3.2b of this direction shall be a substandard asset or continue to remain the same category in which it was prior to its recognition or reschedulement as a doubtful asset or a loss asset such as case may be necessary provision shall be made as applicable to such asset till its upgrade dead। तो वो ये बोला कि आपने रीशेड्यूलिंग कर दी तो असेट अपग्रेड नहीं हो जाती, जब तक वो अपग्रेडेशन के प्रोविजन कंप्लीट नहीं होते तो आपको प्रोविजन करना ही है। बैलेंस शीट टू बी प्रिपेयर्ड बाय एनबीएफसी शैल बी इन अकॉर्डेंस विद
The provision contained in subparagraph 2 of paragraph 17 of the direction. ठीक है, वो जब आएगा तब हम करेंगे. Financial leases. On or after 1st April 2001 shall attract the provision requirement as applicable to hire purchase asset. ठीक है, तो ये खत्म हो गया. तो provisioning requirement में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा लोन, हमारे लिए relevant था ये लोन एडवांस क्रेडिट फैसिलिटीज के ऊपर. तो लॉस एसेट पे पड़ा, पूरा राइट ऑफ कर दो. डाउटफुल में जितना रियलाइजेशन में नहीं हो पाएगा वो कर दो. प्लस जितना पीरियड आउटस्टैंडिंग है उसका 20-50% तक कर दो पीरियड के बेस पे, और सब स्टैंडर्ड में आउटस्टैंडिंग का 10% कर दो. लीज एसेट के केस में उसने बोला कि जो भी ओवरड्यू है प्लस फ्यूचर रेंटल है उसमें से फाइनेंस चार्ज माइनस करो, डेप्रिशिएटेड वैल्यू माइनस करो, और भी माइनस करो अगर आपको कोई मार्जिन मनी पड़ी हुई है, और एडिशनल सिक्योरिटी को एडिशनल प्रोविजन से माइनस करो. ठीक है, उसके बाद बोला कि 12 महीने हो गए लास्ट डेट के बाद, तो पूरा पूरा बुक वैल्यू को राइट ऑफ कर दो. और आपको इवन तो आप इनकम रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हो लेकिन आपको प्रोविजनिंग की रिक्वायरमेंट करनी ही करनी है. और रीशेड्यूलिंग के केस में जब तक अपग्रेड नहीं हो जाता तब तक आपको उस कैटेगरी का प्रोविजनिंग करनी ही है. और बैलेंस शीट आप पैराग्राफ 17 के हिसाब से बनाओगे, फाइनेंशियल लीज जो है उनको भी प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट आएगी. तो क्लियर है 11, 12, 13? बंद करूं वीडियो रिकॉर्डिंग, स्टॉप.